ए पलटी तुम लोगों को स्पेशल बताऊं किसको बोल रहा है यार ये इट्स मी हां पतली गली से निकल चल निकल तू भी निकल बन गई बात साथ लाने का क्या फायदा हाय अरे ये तो वही शर्ट है ना आखिर तुमने पहन ही ली परफेक्ट फिटिंग है तुम इसमें बहुत हैंडसम लग रहे हो पता है वो तू अपन को पसंद करने लगी है इसलिए आई लाइकिंग आल्सो यू किया फर्स्ट आई वॉच यू माय मन किया आई गिव यू वन खींच के लाफा देन यू बड़े प्यार से टेक केयर माय कबूतर वो देख के आई लव यू व्हाट आई नॉट प्रॉपरली सेइंग अलग तरह से कहता हूँ आई लव यू आई एम सो सॉरी लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है तुम मुझे अच्छे लगते हो पर उस नजर से नहीं अगर मैंने कोई गलत हिंट दी तो आई एम सॉरी ओ प्यार नहीं करती ठीक है ओके मैटर ड्रॉप करते हैं आपुन भी उन गधों को यही बोला था लेकिन उन घनचक्करों ने आपुन को कंफ्यूज कर दिया और आपुन को इस चक्कर में डाल दिया चलो कोई बात नहीं दोनों आपुन अपना अपना काम करते हैं चल भाई hey, रुको रुको क्या प्लीज मुझे गलत मत समझना ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती यानी पसंद करती है हाँ करती हूँ तो फिर आई लव यू चल गाना गाते हैं ऐसा नहीं तुम्हें पसंद करती हूँ जैसे इंसानों को करते हैं तो इंसानों को ही करोगी ना जानवरों को उस नजर से थोड़ी देखा जाता है लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानती ही कितना हूँ कि तुम क्या करते हो तुम्हारी लाइफ कैसी है अपुन क्या करता है अपुन की लाइफ कैसी है सुबह उठ के कबूतरों के साथ वक्त बिताता हूँ उसके बाद फिर सीधा विलोना के पास जाता हूँ वो अपुन को जो काम बोलते हैं वो पूरा करता हूँ शाम को अपुन पंडरलो के पास जाते हैं उसके साथ थोड़ा मौज मस्ती करते हैं रात को शराब पी के फिर सो जाता हूँ उसके बाद फिर मस्त नींद मारता हूँ फिर उसके बाद वापस अगली सुबह उठता हूँ कबूतर के साथ वक्त बिताता हूँ सीधा विलोना के पास जाता हूँ वो अपुन को जो काम बोलते हैं वो पूरा करता हूँ बस अपन का डेली का ये रूटीन है मैंने वो नहीं पूछा कैसे समझाऊं इसे मतलब कि तुम एक अच्छे इंसान हो लेकिन हो तो गुंडे तो मुझे तुमसे डर लगना चाहिए मेरे माँ बाप इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे तो मार देंगे उनको क्या नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा वक्त दो मैं सोचकर बताऊंगी ना सोचने की कोई जरूरत नहीं है आपुन तेरे को ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है क्या चल जान दे टेंशन मत ले ओके हाँ भाई Something wrong. पेट गड़बड़े गया ये ठीक है पर वो लड़की आपको पसंद क्यों नहीं कर रही है आप उनको क्या पता भाई आपने ठीक से बोला था ना I love you कह के बता दिया ऐसे नहीं बोलते हो नहीं क्या I love you ऐसे सुर में बोलते हैं एक बात को तीन हिस्सों में कह को बांटा है तीनों अलग अलग वर्ड है भाई मतलब आई लव यू एक वर्ड नहीं है तीन वर्ड है भाई एक वर्ड नहीं है क्या आओ ना पार्टी चल रही है इधर पहले का एको नहीं भाई भाई इस लड़की को तू यहाँ का एको लाया वो आपके साथ गुफ्तगू करना चाहती है तू मेरे से दोस्ती बढ़ाने आई होगी चल आ जा बैठ 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 आ जा बैठ इधर बैठ ए तुम लोग जाओ रे तुम लोग जाने का टाइम हो गया हाँ तुम बैठो आ जाओ बैठो ये सिर्फ फाइव स्टार होटल में पीती होगी मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी करो मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ बस थोड़ा सा वक्त मांगा था जिससे कि तुम्हें और जान सकूं क्या जानना चाहती हो यही कि तुम कौन हो ऐसी लाइफ कब से जी रहे हो ऐसी लाइफ बोले तो ऐसी से क्या मतलब है मतलब हर किसी को तुमसे डर लगता है यहाँ तक कि मुझे भी मैं तेरे को छिछोरा लगता हूँ क्या मैं भले चाहे कितना भी कमीना क्यों ना हो लेकिन मार दूं लेडीज को आज तक टच नहीं किया अपने मेरा वो मतलब नहीं था इतना भरोसा है तुम पर लेकिन लोग जो तुमसे डरते हैं उसके पीछे कोई तो वजह होगी मारपीट मर्डर ऐसा कुछ नहीं है मर्डर नहीं उसे मर्डर नहीं कह सकते मर्डर तो नहीं मर्डर जैसा कुछ था एक तरह से मर्डर कह सकते हो
पांडे नाम का एक गैंगस्टर था, एकदम बिग शॉट, उस तक पहुंचना नामुमकिन था। एक दिन आपने गुस्से में उसको चाकू घोंप दिया। लेकिन उस टाइम वो मरा नहीं, इसलिए वो मर्डर नहीं था। एक दिन किसी ने उसका मर्डर कर दिया, लाश मिला अपुन के एरिया में, तो मर्डर का क्रेडिट अपुन को मिला। अपना नहीं जमने वाला है, घर जाके ठंडे दिमाग से सोच, ओके तो ओके, नहीं तो टाटा बाय बाय खुदा हाफिज, जो सोचना है तेरे को सोचना है। आप उनके भेजे का तंदूरी मत बना, जा यहाँ से, चल निकल, गेट आउट गेट आउट। ए खाकी वर्दी, क्या सुबह सुबह अपना मुंह उठाकर आ गए यहाँ पर? हमारे पास मारी का अरेस्ट वारंट है। ए, जगाने का वारंट है क्या? सर सुन लेंगे, तो क्या डरते हैं? शोर मत मचा वरना शूट कर दूंगा। सर जी अरेस्ट वारंट है, ऑफिसर अरेस्ट करने आया है। कौन सा ऑफिसर रे? छोटे अपन को नींद से जगा, इस वक्त अपन बहुत बुरा सपना देख रहा है। जल्दी उठ, हम तुझे अरेस्ट करने आए हैं। अरेस्ट किस खुशी में? मर्डर तो नहीं, मर्डर जैसा कुछ था, एक तरह से मर्डर कह सकते हो। एकदम बिग शॉट, उस तक पहुंचना नामुमकिन था। एक दिन आपने गुस्से में उसको चाकू घोंप दिया। डाउट करके इंसल्ट करना है मेरी, इसे कहते हैं बिजनेस करना। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, पुलिस के पास जाऊंगी। मेरी बात मानिए, आप इस झंझट में मत पड़िए। वो आप मुझे मत सिखाइए, ऐसा ही से मिलना है बस। ए, क्या बात है? कुछ नहीं सर, एक मामूली सा केस है। सर, मारी के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है, गुंडा गर्दी के केस में। FIR लिखिए, मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं आपकी हिम्मत की कदर करता हूँ, मान लो मैं आपकी FIR दर्ज कर भी लेता हूँ, वो बड़ी आसानी से बच जाएगा, और उसके बाद वो आपको और ज्यादा परेशान करेगा, उसे किसी बड़े केस में फंसाना पड़ेगा। आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आफ्टर लॉट ऑफ सर्चिंग मुझे एक क्लोज फाइल मिली है जो बहुत सनसनीखेज थी। पांडी के ऊपर एक मर्डर अटेम्प्ट हुआ था, मारने वाले का हुलिया और उम्र दोनों मारी पर बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन इतना काफी नहीं, मारी को सजा दिलवाने के लिए कोई ठोस सबूत चाहिए। मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? तू अपन के पैसे कैसे चुकाएगी? मैं तुम्हारे यहाँ कोई नौकरी कर लूंगी। इन्हें देखकर तो मुझे कुछ और ही कहने का मन होता है। हैंगओवर हुआ क्या भाई? पकड़ पकड़ पकड़, माल संभाल। भाई भाई भाई, आप उनको आज तक हैंगओवर हुआ है क्या? ये उठा रहे, उस छोकरी की वजह से सुबह सुबह इन मनहूसों की शक्ल देखनी पड़ रही है। एकदम मस्त प्लान था, बहुत बढ़िया। अपुन ने उम्र भर गुंडागर्दी किया, लोगों के हाथ पांव तोड़े, कईयों के सर भी फोड़ डाले, लेकिन अपुन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन पहली बार अपुन ने लव किया तो वो लव अपुन को लॉकअप में डाल रहा है। दिस इज कॉल्ड किस्मत। लव करो मारी, आई लव यू बोलो, आई लव यू बोलो उसको। ए? मरवा दिया ना अपुन को, अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? जो करने आए वो करो। माना के प्लान इसका था, लेकिन लड़की ने आसानी से मान कैसे लिया? दुनिया कितनी आगे पहुंच गई है, साला अपन कैसे पीछे रह गए? रुक जा, बाल ठीक है क्या? थोड़ा सेट कर लो इधर से। कौन से साइड? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, हाँ ओके, परफेक्ट। ये तो पटाखे फूट रहे हैं, बस्ती में किसी की शादी है क्या? शादी नहीं, पूरी बस्ती तुम्हारी गिरफ्तारी की खुशी मना रही है। इतना जश्न तो गणपति के विसर्जन के टाइम भी नहीं होता जितना आप उनको जेल में ले जाते समय हो रहा है। ये भी फाड़ दिया। आप उनके पीछे काम धंधा एकदम अच्छे से संभालना, समझ गया? और अगर कोई लड़के आई लव यू बोले तो सीधा यू टर्न लेके निकल जाने का। तू आज चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा? तू याद बहुत आएगा, तू बोलना। आपके अलावा हमारा कौन है? मजा नहीं आ रहा है, ओवर एक्टिंग लग रही है। तेरा जीजा मदुराई में रहता है ना, कुछ दिन के लिए उनके पास चले जा। हुँ।
जीत गए साहब। औरत को हथियार बनाया लेकिन जीत तो जीत होती है। पहली बार जब तुम बिना परमिशन के एरिया में आए थे तो आप उनको उसी टाइम से तुम पर नजर रखनी चाहिए थी। वो दगाबाज लड़की किधर है? उसको तो मजा आ रहा होगा आप उनको ऐसे देख के। ओए होए मैडम, मानना पड़ेगा टॉप क्लास की एक्टर हो। मीठी मीठी बातों से आप उनको बर्बाद कर दिया। आप उनकी इज्जत के चीतड़े चीतड़े कर दिए ना, और एक सेलो टेप तक नहीं दिया। चल गाड़ी में बैठ जा, मैं गुंडों से एक ही बार प्यार से बोलता हूँ। ये तो आप उनका ही डायलॉग है। मारो आप मारो, अभी आपका टाइम चल रहा है, आप मारो बोलो। सुखी रहो सब लोग आप उनके वापिस आने तक। एसी नहीं है क्या? छह महीने बाद वो देखो भाई आ गया, हमारी आ गया। चलो चलो चलो। क्या रे, कैसे हो तुम लोग? चाचा ठीक हो ना? आप उनके गम में दुगना खा रहा था क्या? इतना मोटा हो गया है। तू ठीक है ना? हाँ भाई। और बाकी आप दुबले लग रहे हैं भाई। तो आप उनके तेरे जैसा जाड़िया था चाय क्या? पीते ना बंटिया, चार चाय मलाई मार के। और चाचा क्या नया? कहीं एरिया में सब लोग चैन से तो नहीं रह रहे? नहीं मारी, तुम्हारे जाने के बाद वहाँ के हालात बदतर हो गए हैं। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि वेलू भाई को भी जेल में डाल दिया। क्या बात कर रहा है? आपके जेल जाने के बाद हम लोगों को बड़ा बोरिंग लग रहा था, इसलिए हम दोनों कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे। वापिस आए तो एरिया का नक्शा बदल गया था। तब मैं समझा कि वो ऐसा ही बिना वजह में टारगेट नहीं बना रहा था, ये उसका प्लान था। भाई अबे कते, उन्होंने मारी को अरेस्ट कर तो अभी बता रहा है? तू उस वक्त दारू पी के सो गया था क्या? ए गाड़ी निकाल, उसको जेल से निकालना होगा।